घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा देना या गुप्त चीज। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करेंगी धन की वर्षा, आपकी आने वाली सात पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होगी। झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने आ रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन अगर आप करना शुरू कर देते हैं, जैसे झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना है, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का प्रयोग और उपाय धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे करना है, तो इतना करने भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खींचा हुआ चलाएगा। दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर के वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी, और यकीन मानिए कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए, और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है, और दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर के उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया था, या पैसे संबंधित कोई भी दिक्कत थी, इन नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन से पैसे संबंधित दिक्कतें तो खत्म होंगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को लेकर के आपको करना है, और दोस्तों इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने आएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। दोस्तों अब जितने भी हम आपको बातें बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भी वास करने आती है। जिस घर में भी साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, या आपके घर में झाड़ू का निरादर होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेंगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, रात में जब भी आप सोने जाते हैं तो आपके घर में उसी वक्त नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, बुरी ताकतें प्रवेश कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सोकर के उठता है और वो अपने घर की झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं वो तुरंत ही हट जाती हैं और उस व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। देखिए वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है इसके बाद अगर आपने अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर की उन्नति भी होती है, आपके घर की बरकत भी होती है और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आती हैं। लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते हैं, तो अगर आप लोग अपने घर पर दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में तो यहाँ तक साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने भर से ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देती हैं। देखिए दोस्तों झाड़ू तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है, लेकिन झाड़ू को लेकर के कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी।
एक बात समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आते आते बंद हो गया, आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसको पहले आप लोग ठीक से लौटा पा रहे थे, लेकिन अब वो कर्ज बढ़ता ही हुआ चला आ रहा है, उस कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों इसकी एक ही वजह है कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। इनकी मुख्य वजहों में से एक वजह यह भी हो सकती है कि झाड़ू को लेकर के आप कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के वह गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज के इस वीडियो को आपने लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लिया, जो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र से बताने आ रहे हैं, और इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि दोस्तों झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के अच्छे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखते हैं जय माँ लक्ष्मी जी की। सबसे पहला नियम जो झाड़ू को लेकर के आपको समझ लेना चाहिए वो ये है, कभी भी झाड़ू को अपने घर में या अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहां पर आपकी बार बार नजर झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है। दूसरा नियम यह कहता है कि बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसी झाड़ू आपके घर पर है जिसकी जो डंडियां हैं वो बिखर रही हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम ये आपको समझना होगा दोस्तों कि कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहरी इंसान आके आपके घर की झाड़ू को देख ले, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया हमारे धर्मशास्त्र में। कहा जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कभी ऐसी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती कर जाते हैं, वो पुराने पानी से या गंदे पानी से अपने झाड़ू को धो देते हैं। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, और झाड़ू को लेकर के आप वह गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी से या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए, झाड़ू को हमेशा अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से धोइए, और अगर आप जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उस पानी में दो चार बूंद गंगा जल मिला देते हैं फिर झाड़ू को धो करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग झाड़ू को लेकर के एक गलती बहुत जल्दी कर देते होंगे, वो ये है कि झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे, ये कभी भी मत कीजिएगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके, छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है वो गलती से झाड़ू से छू जाता है, कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू से छू जाता है तो हमेशा अपना सर झुका करके आप लोग झाड़ू से माफ़ी मांग लीजिए, और कभी भी झाड़ू को लांघेगा मत, यह हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा, और कई लोग गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को अपने शौचालय के पास, बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखा जाता है, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। अभी तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया जिसके बारे में आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए, इन नियमों का पालन आपको करना ही होगा, वरना कभी भी आप लोग के घर की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। और अगर अब आप उन प्रयोगों को कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, इन प्रयोगों को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दें। देखिए शायद ये बात आप ना जानते हो, कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन आप घर पर झाड़ू लगा रहे हैं और शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर आप दो काली मिर्च रख करके उसको भी झाड़ू के साथ बहा दें, गंदगी के साथ बाहर निकाल दें, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर छोड़ करके चली आती हैं। दूसरा दोस्तों कभी भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हो, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाइएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी दोष हो, मंगल दोष, शनि दोष, कैसा भी दोष हो, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। तीसरा अगर आप झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है, आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाता है, धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है, आर्थिक कष्टों से भी आपको आराम से मुक्ति मिल जाती है।
इसी तरीके से हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 84 में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आप लोग अपने घर पर जब भी झाड़ू लगा रहे हो तो आप लोग इस झाड़ू को जब भी लगाएं तो यह देखें उसको कोई लांघे ना। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखिए और घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात को समझा दीजिए, जितनी देर झाड़ू लग रही हो लोग नीचे जमीन पर ना उतरें, झाड़ू को लांघे ना, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने अपने सपने में यह देख लिया कि आप अपने घर में खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आर्थिक कष्ट आने वाले हैं। अब इससे आप बच कैसे सकते हैं? मान लीजिए जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने आ रहे हैं, अपने दोस्त यार को उधार देने आ रहे हैं, कर्जा देने आ रहे हैं, तो जहां से आपका पैसा आधा परसेंट वापस मिल सकता है, जैसे 50-50% वापस आपको मिल सकता है, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाइएगा। अगर आपको सपने में ये दिख रहा है कि आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं, कभी भी ऐसी जगह पैसा मत लगाइएगा जहां से 50% ही आपका पैसा आने की उम्मीद हो। इसी प्रकार से अगर आप किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो ये साक्षात आपको देवी देवताओं का संकेत है कि आपके जीवन में जो कठिनाई भरा समय था वो हट जाएगा और आपके जीवन में मंगलकारी समय आने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया कि झाड़ू को लेकर के वो कौन से ऐसे नियम थे जिनका आपको पालन करना चाहिए, झाड़ू को लेकर के वो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम बताने आ रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के वो आप कौन सा आप प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रयोग को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह प्रयोग करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, मांस, अंडा। तामसिक भोजन 5 शुक्रवार के लिए छोड़ दीजिए। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको करना है। कैसे करना है? एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बनाने नहीं, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रवार के रात को झाड़ू के नीचे इस पोटली को दबा दीजिए। शनिवार की सुबह उठिए, इसी पोटली को उठाइए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगले शुक्रवार को नहाइए धोइए, इसी पोटली को झाड़ू के नीचे दबाने से पहले फिर से आप लोगों को 2 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची डालनी है। इस बार 1 रुपये का सिक्का नहीं डालना है। फिर से आपको मौली धागा बांध देना है और इसके झाड़ू के नीचे रख देना है। 5 शुक्रवार यह उपाय कीजिए। 5 शुक्रवार यह उपाय करने के बाद इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय। तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए।